दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि IPL यानी इंडियन प्रीमियर लीग, ये लीग दुनिया के सबसे बड़े लीग्स में से एक है और क्रिकेट की तो सबसे बड़ी लीग है। इस लीग की शुरुआत साल 2008 में ललित मोदी और BCCI ने की थी और पहले सीजन के विनर्स थे राजस्थान रॉयल्स। IPL में आज तक कुल 15 टीमों ने हिस्सा लिया है, जिनमें से अब 5 टीम इस टूर्नामेंट का हिस्सा नहीं है और 2 टीम्स इस साल अपना पहला सीजन खेलने वाली हैं, जिनमें लखनऊ सुपर जायंट्स और गुजरात टाइटंस हैं। और बात करें IPL टीमों के मालिकों के बारे में, तो ज्यादातर लोग नीता अंबानी, प्रीति जिंटा और शाहरुख खान के अलावा किसी और को नहीं जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको टाटा IPL 2022 के सभी टीमों के मालिकों के बारे में बताएंगे, तो कहीं भी मत जाइए और इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो सके। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, चेन्नई सुपर किंग्स। चेन्नई सुपर किंग्स के ओनर चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसकी ओनरशिप इंडिया सीमेंट कंपनी के पास है। IPL के पहले साल 2008 से ही इंडिया सीमेंट चेन्नई सुपर किंग्स की मालिक बनी हुई है और इस समय कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर एन श्रीनिवासन हैं। एन श्रीनिवासन इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल और BCCI के पूर्व प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं और इसीलिए चेन्नई सुपर किंग्स की टीम मैनेजमेंट का काम भी श्रीनिवासन ही संभालते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स चेन्नई तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड MA चिदंबरम क्रिकेट स्टेडियम है। नंबर 2 पर है मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस की ओनरशिप 2008 से ही मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पास है। जब 2008 में IPL की टीम और फ्रेंचाइजी बनाई जा रही थी, तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने मुंबई फ्रेंचाइजी को लगभग 821 करोड़ में खरीदा था और इस रकम के साथ ही मुंबई इंडियंस IPL की सबसे महंगी बिकने वाली टीम बन गई थी। मुंबई इंडियंस टीम का मैनेजमेंट और सभी जरूरी कामकाज को मुकेश अंबानी और उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके बेटे आकाश अंबानी ही संभालते हैं। मुंबई इंडियंस मुंबई महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम है। नंबर 3, कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओनरशिप एक नहीं बल्कि 2 भारतीय कंपनियों के पास है। KKR टीम की पहली ओनरशिप शाहरुख खान की कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के पास है और ये कंपनी KKR टीम के 55% हिस्से की मालिक है। KKR टीम की दूसरी ओनरशिप मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के पास है, जो कि इस टीम के 45% के हिस्से के मालिक हैं। मेहता ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन जय मेहता हैं, जो कि बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला के पति भी हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स कोलकाता वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड ईडन गार्डन क्रिकेट स्टेडियम है। नंबर 4, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। दोस्तों, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम की ओनरशिप इस समय यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड कंपनी के पास है, जिसके CEO और मैनेजिंग डायरेक्टर आनंद कृपालु हैं। साल 2008 में इस फ्रेंचाइजी को 11.619 मिलियन डॉलर्स, लगभग 819 करोड़ में खरीदा गया था। मुंबई इंडियंस के बाद ये IPL की दूसरी सबसे महंगी टीम बनेगी और उस समय यूनाइटेड स्पिरिट्स लिमिटेड कंपनी के चेयरमैन और रॉयल चैलेंजर्स टीम के ओनर विजय माल्या थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर बेंगलुरु कर्नाटका को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड M चिन्ना स्वामी क्रिकेट स्टेडियम है। नंबर 5, लखनऊ सुपर जायंट्स। दोस्तों, इस साल की 2 नई टीम्स में से एक टीम का नाम लखनऊ सुपर जायंट्स है। इस टीम की ओनरशिप RPSG ग्रुप के पास है, जिन्होंने इससे पहले भी IPL में हिस्सा लिया था, जो कि 2016-17 में था। उस टीम का नाम राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स था, जिसके लिए 2016 के कप्तान MS धोनी थे और 2017 के कप्तान ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ थे। और इस साल इस टीम की कप्तानी टीम इंडिया के उभरते हुए एक मल्टी टैलेंटेड खिलाड़ी KL राहुल के पास है और इनके कोच साउथ अफ्रीका के एंडी फ्लावर हैं। ये टीम लखनऊ उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड BRS ABV एकाना क्रिकेट स्टेडियम है। लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए RPSG ग्रुप ने 7,090 करोड़ के भारी भरकम पैसों से अपना अधिकार जमाया है। नंबर 6, गुजरात टाइटंस। इस साल की दूसरी नई टीम गुजरात टाइटंस है और इसकी ओनरशिप CVC कैपिटल पार्टनर्स के पास है। गुजरात टाइटंस गुजरात को रिप्रेजेंट करती है और इनका नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम है, जिसमें लगभग 1,32,000 लोग मैच का आनंद उठा सकते हैं। और इस टीम के कैप्टन हार्दिक पांड्या हैं और आशीष नेहरा इस टीम के कोच हैं। इस फ्रेंचाइजी को हासिल करने के लिए CVC कैपिटल पार्टनर्स ने 5,625 करोड़ रुपए दिए हैं। नंबर 7, दिल्ली कैपिटल्स।
दोस्तों इस समय दिल्ली कैपिटल्स टीम की ओनरशिप दो कंपनियों जेएसडब्ल्यू ग्रुप और जीएमआर ग्रुप के पास है। ये दोनों कंपनियां शुरुआत से एक साथ नहीं थी। 2008 में जीएमआर ग्रुप ने अकेले ही इस टीम को खरीदा था। उस समय दिल्ली कैपिटल्स टीम का नाम दिल्ली डेयरडेविल्स था। फिर 2008 से 2017 तक इस टीम की ओनरशिप सिर्फ जीएमआर ग्रुप के पास ही थी, जबकि 2008 में जीएसडब्ल्यू ग्रुप ने 550 करोड़ रुपए की राशि चुकाकर इस टीम को 50% का हिस्सा बनाकर अपने नाम कर लिया था। दिल्ली कैपिटल्स के डायरेक्टर पार्थ जिंदल हैं और पार्थ जिंदल ही आईपीएल की नीलामी और टीम के संचालन जैसे कामों को संभालते हैं। दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली सिटी को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम है। नंबर 8, राजस्थान रॉयल्स। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स टीम के 5 ओनर हैं। राजस्थान रॉयल्स टीम के सबसे पहले और सबसे बड़े ओनर टेस्को इंटरनेशनल लिमिटेड कंपनी है, जिसकी मालकिन अमीषा हथिरमानी है, जो कि राजस्थान रॉयल्स टीम की कुल 44.2% हिस्से की मालकिन है। इस टीम के दूसरे ओनर हैं इमर्जिंग मीडिया लिमिटेड के मनोज बड़ाले, जो 32.4% हिस्से के मालिक हैं। इस टीम के तीसरे मालिक हैं अमेरिकन बिजनेसमैन लैचलेन मुर्डॉच, जो कि इस टीम के 11.7% हिस्से के मालिक हैं। चौथे इस टीम के मालिक हैं मशहूर बिजनेसमैन रियान, जो कि इस टीम के 8.7% हिस्से के मालिक हैं। राजस्थान रॉयल्स के 5वें ओनर हैं पूर्व ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर शेन वॉर्न, जो कि इस टीम के 3% हिस्से के मालिक हैं। राजस्थान रॉयल्स राजस्थान को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम है। नंबर 9, पंजाब किंग्स। पंजाब किंग्स टीम के एक नहीं बल्कि 4 मालिक हैं। मशहूर भारतीय कंपनी डाबर के डायरेक्टर मोहित वर्मन इस टीम के सबसे पहले और सबसे बड़े ओनर हैं, जो कि इस टीम के 46% हिस्से के मालिक हैं। इस टीम के दूसरे ओनर हैं मशहूर ब्रिटिश इंडियन बिजनेसमैन नेस वाडिया, जो कि इस टीम के 23% हिस्से के मालिक हैं। इस टीम की तीसरी ओनरशिप है बॉलीवुड अभिनेत्री प्रीति जिंटा के पास, जो कि इस टीम की 23% हिस्से की मालकिन है। प्रीति जिंटा हर साल नीलामी के समय हर मैच के दौरान टीम के साथ रहती हैं। इस टीम के चौथे ओनर हैं अपिजय सुरेंद्र ग्रुप के चेयरमैन करण पॉल, जो कि इस टीम के 8% के मालिक हैं। पंजाब किंग्स पंजाब को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड इंदरजीत सिंह बिंद्रा क्रिकेट स्टेडियम है। नंबर 10, सनराइजर्स हैदराबाद। इस समय सनराइजर्स हैदराबाद टीम की ओनरशिप सन टीवी नेटवर्क के कलानिधि मारण के पास है। कलानिधि मारण सनराइजर्स हैदराबाद टीम के इकलौते मालिक हैं। 2008 में हैदराबाद फ्रेंचाइजी की ओनरशिप डेक्कन क्रॉनिकल लिमिटेड कंपनी द्वारा खरीदी गई थी और उस समय इस टीम का नाम डेक्कन चार्जर्स रखा गया था, लेकिन 2012 में इस टीम की जगह सनराइजर्स हैदराबाद ने ले ली। सनराइजर्स हैदराबाद तेलंगाना को रिप्रेजेंट करती है और इनका होम ग्राउंड राजीव गांधी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम है। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज का हमारा ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है कमेंट करके जरूर बताइए और आपके फेवरेट प्लेयर का नाम भी जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस अगर आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा और ऐसे ही और भी दूसरे अमेजिंग जानकारी भरे वीडियो इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उसे भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। शुक्रिया।